हेलो एवरीवन, दिस इज मायरा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ आज खबरदार की शूट पे और यहाँ पे मैं तकरीबन पहुँच चुकी हूँ और मैंने सुना है कि आज हमारा एक सेगमेंट है, बड़ा फेमस है, फरंगे आसफिया। तो उसे करने के लिए आ रहे हैं प्रोफेसर लियाकत अजीम। सोचा क्यों ना उनके साथ थोड़ी चिटचैट की जाए और उनसे कुछ लफ्ज़ों के मीनिंग पूछे जाएँ। स्पेशली मेरे जहन में है कि मैं अपने नाम का मतलब भी पूछूं, तो मैं वो भी उनसे पूछूंगी और इंशाल्लाह आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ हमारे बड़े फेमस प्रोफेसर साहब के साथ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अरे पीछे कोई और भी आ गया है। और ये कौन आ गया है? जी, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग खबरदार की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब को मैंने पकड़ लिया आज, क्योंकि ये टाइम नहीं देते थे मुझे। क्यों नहीं देते थे आप टाइम मुझे? नहीं, आपकी गलत फहमी है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप इस टीम का हिस्सा कैसे बने? वो असल में ऐसे था कि मुझे शुरू से ही जुबान बयान का शौक था। अच्छा। तो आफ्ताब साहब से एक दफा मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, ये मैं जानना चाहूंगी। वो आफ्ताब से मेरी मुलाकात हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप तो उनके टीचर थे? नहीं नहीं, मतलब ऐसे दोस्ती थी। अच्छा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने कहा कि ज़ुबान और बयान के ऊपर तो मेरी किताब है शम्सुल लुगात। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कह दिया आप हमारी टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे एक जुमला बताया कि ये क्या है, लिखे मूसा पढ़े खुदा। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको इसका मतलब बताया कि लिखे मूसा यानी लिखे बाल जैसा बारीक। अच्छा। तो पढ़ेगा वो खुद आ कर ही। तो इस तरह ये जो है ये जुमला बोला जाता है, लिखे मूसा बारीक लिखे बाल जैसा, तो पढ़ेगा तो फिर कोई नहीं आगे, वो खुद ही पढ़ेगा। तो ये इसका मतलब। तो बहुत खुश हुए, तो इस तरह फिर मैं टीम का हिस्सा बन गया। तो ये जो सेगमेंट है हमारा फरंगे आसफिया, ये आपके आने से पहले यहाँ पे हो रहा था या आपके आने के बाद शुरू हुआ? नहीं, मेरे आने के बाद शुरू हुआ है। पहले जो करते थे ये खबरनाक में जुबानों बयान। अच्छा। वो खबरनाक में भी मैं मतलब कि मैं ही लिखा करता था इनके लिए अल्फाज। तो इनको एक लफ्ज मेरा बहुत पसंद आया था, वो है गुस्सा थूक दो। अच्छा। थूक दो, वैसे वाकई आप सबको भी यही मशवरा है, गुस्सा थूक दो। क्या रखा है गुस्से में? तो गुस्सा असल में ये वो नवाला है जो गले में फंस जाता है। जब गले में नवाला फंस जाता है तो फिर वो ना निकला जा सकता है तो ना उगला जा सकता है, तो उससे आंखें लाल हो जाती हैं। तो वो किसी ने देखा कि उसने कहा कि ये बंदा तो गुस्से में है, उसे तो भाई गुस्सा थूक दो। असल में वो कह रहा था कि नवाला थूक दो। तो वो यहाँ से फिर ये मुहावरा चल निकला। जबरदस्त। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे जरा बताएं मेरे नाम का क्या मतलब है? मैं आज तक कंफ्यूज रहती हूँ कि मायरा मुझे कोई माहिरा कह रहा होता है, कोई मारिया कह रहा होता है, ये मायरा क्या है? ये असल में ना इस नाम के, मैं अरबी जुबान का ही प्रोफेसर हूँ, 35 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है। तो मुझसे बेहतर कौन बता सकता है, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। इसका जो मादा है ना वो मीम वाव रे है, मोर। मोर? हाँ, मोर जो परिंदा है। नहीं नहीं, ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है। तो इसको हम कहते हैं मारा यमूरु। अल्लाह, मेरे नाम में ना चेंज कर दिया आपने। नहीं नहीं, ये आपको इसका ना मम्बा बता रहा हूँ, मम्बा। मारा यमूरु, मारा यमूरु, मारा यमूरु मौरन वो मायरू, वो मायरा। तो ये मायरा यहाँ से लफ्ज भी निकलता है। तो इसका जो मतलब है ये सहम रखने वाली, समझ बूझ रखने वाली, समझदार, जो कि आप ऐसे हैं, जो मैं हूँ नहीं। प्रोफेसर साहब कह रहे तो मान लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना आपने अपना भी कोई YouTube चैनल बनाया हुआ है। जी जी, मेरा के नाम से। जी जी, मेरा भी YouTube चैनल। उसमें क्या होता है? असल में उसमें जो मेरा फील्ड है अरबी जुबान सिखाने का, वो
मैंने अरबी जबान उसमें सिखाना शुरू की है। ये मैं चाहता भी, ये असल में लोग अरबी जबान की अहमियत नहीं समझते। ये इतनी ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए खुराक, आग, पानी, हवा ज़रूरी है। कुरान हकीम को समझने के लिए अरबी जुबान का आना हर एक के लिए जरूरी है। अरबी जो है वो सबसे पुरानी जुबान थी, मतलब फारसी को कहा जाता है। नहीं नहीं, इसे ही कहा जाता है, ये इसको उम्मुल लुगात कहा जाता है, मतलब तमाम जुबानों की माँ, उम्मुल लुगात इसे कहा जाता है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आम जुबान में 2-3 लाख अल्फाज होते हैं, अंग्रेजी जुबान में 10 लाख 1 मिलियन अल्फाज, लेकिन अरबी जुबान में 50 मिलियन अल्फाज। 50 मिलियन, इसका मतलब है कि ये मुश्किल भी ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल ज्यादा नहीं है। इतने सारे अल्फाज याद रखना, मतलब मैं तो नहीं याद रख सकती। इसमें ये है कि जब आप सीखना शुरू करेंगे ना, तो अल्लाह सुभान व तआला आपके साथ साथ मदद करता है कि ये जुबान सीखो, वो खुद बहुत। आप अंग्रेजी के अल्फाज 5-6-10 याद करेंगे तो नहीं जहन काम करता, आप इसके 50 अल्फाज पढ़ेंगे फौरन जहन में बैठ जाते हैं। ये जुबान की खूबी है। अच्छा जी, टीम खबरदार का हिस्सा है आप काफी देर से, आप बताएं आपका फेवरेट बंदा कौन है, आप बंदी कौन है? सोनिया मुल्तानी इशारा कर रही है कि मैं देखिए यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी। अच्छा नहीं, बता के देना था। प्रोफेसर सर मैं खड़ी हूँ। नहीं बताया, ये जो है अपनी टीम के सारे ही मेंबर्स एक जैसे लगते हैं, जैसे किसी दरख्त के पेड़ होते हैं, जैसे किसी समुंदर की लहरें होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, जैसे किसी फूल की पत्तियां होती हैं, इसी तरह खबरदार टीम के सारे मेंबर की एक जैसे। अलबत्ता वैसे अगर फेवरेट तो वो मेरे फेवरेट हैं बबू राणा। वजह वो वजह बिकॉज वो जो लफ्ज बोलते हैं, जो उनके दिल में होता है, वही उनकी जुबान में होता है। बनावटी नहीं, ही इज नॉट आर्टिफिशियल। हर डायलॉग वो जो है ना, मतलब कि वो बिल्कुल साफ बोलते हैं। आप उनको क्लासेस दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी? हाँ, सिखाते हैं आप? बिल्कुल, वो मुझसे बहुत सारे अल्फाज सीखते हैं। जैसे कि आपने क्या सिखाया? अच्छा, इंग्लिश सिखाई? हाँ, इंग्लिश सिखाई है। वैसे इंग्लिश सिखाई है उनको मैंने, वैसे अंग्रेजी सिखाई है। जब ये अमेरिका जाने लगे थे ना, इन्होंने उस वक्त मुझसे क्लासें ली थी। अच्छा, ताकि वो मतलब स्पेशली कह रहे हैं कि मैंने हवाई जहाज में सफर करना है, एयर होस्टेस से बात करनी होती है, तो मुझे कुछ तो बता। मैंने कहा हाँ, 15-16 घंटे आपने सफर करना है, तो वो कहने लगे कि 10-12 घंटे तो मैंने इंग्लिश बोली, वो आखिरी लम्हात में वो पंजाबी बोलने लगे। हालांकि थी वो अंग्रेज। और चलें, कोई अच्छा सा पैगाम दे दें, कोई अच्छी सी बात जो फैंस को कहना चाहे आप। एक बहुत ही अच्छा पैगाम है कि बाज लोग जो है ना, वक्त को अहमियत नहीं देते, और जब शाम हो जाती है, सूरज ग़ुरूब होने लगता है, तो फिर उनको एहसास होता है कि हमने बहुत सारा वक्त खो दिया है। बहुत अच्छी बात की है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। शूट खत्म हो चुका है, मैं घर वापस जा रही हूँ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।